अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज सना खान तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ क्लाइंट व्हाट इज सर्वर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डिफ्रेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज देट अ क्लाइंट इज़ अ डिवाइस और अ प्रोग्राम देट रिक्वाइज सर्विस सर्वसिज वाया दैब एंड द सर्वर अ डिवाइस और अ प्रोग्राम देट रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट बाई प्रोवाइडिंग सर्विस टू दैम क्लाइंट बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है या एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सर्वर से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है फॉर एग्जाम्पल उसे किसी किस्म की सर्विस चाहिए क्लाइंट कंप्यूटर को यह कैसा कंप्यूटर हो सकता है डिवाइस हो सकता है या प्रोग्राम हो सकता है जिसे किसी किस्म की अगर सर्विस चाहिए तो वो उस सर्विस के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा बिल्कुल इसी तरह सर्वर भी मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है ऐसे कंप्यूटर है या ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट होंगी उनको रिस्पोंड करेगा उनका जवाब देगा उन्होंने जोन उन से भी सर्विस मांगी है ये उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड करेगा द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर इज़ दैट क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर कंटेंट और सर्विस फंक्शन क्लाइंट जो होगा वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसी भी सर्विस के लिए सर्विस के लिए या कंटेंट फंक्शन के लिए वो क्या करेगा उसे कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा मिसाल के तौर पर अगर क्लाइंट कंप्यूटर चाहता है कि उसको प्रिंटिंग सर्विस चाहिए उसके पास प्रिंटर नहीं है मिसाल के तौर पर एक एक क्लाइंट कंप्यूटर है उसके पास प्रिंटर नहीं है वो चाहता है कि मैं मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैंने प्रिंट करना है लेकिन वो जो प्रिंटर है वो सर्वर के पास है तो वो क्या करेगा क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे प्रिंटिंग uh, की सर्विस प्रोवाइड की जाए बिल्कुल इसी तरह सर्वर के बारे में डिस्कस करते हैं सर्वर प्रोवाइड्स फंक्शंस और सर्विसेज टू द क्लाइंट्स व्हेन द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी सर्विस के लिए तो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड यानी उसका जवाब दे और जो भी सर्विस मांग रहा है वो उसे सर्विस प्रोवाइड करे एंड द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर इज दैटाम्पल ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट एट डेस्क टॉप लैपटॉप्स स्मार्टफोन्स टैबलेट्स एंड वेब ब्राउज़र जो क्लाइंट मेरे पास कोई डेस्कटॉप हो सकता है लैपटॉप स्मार्टफ़ोन टैबलेट या कोई वेब ब्राउज़र हो सकता है और सर्वर की क्या क्या एग्जांपल है सर्वर मेरे पास क्या हो सकता है सर्वर में डेटाबेस सर्वर आ जाता है फाइल सर्वर आ जाता है और वेब सर्वर आ जाता है मिसाल के तौर तो पर अगर क्लाइंट चाहता है कि उसे डाटा में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इंफॉर्मेशन की पर एक्सेस चाहिए तो सर्वर के पास डाटा सर्वर डाटा सर्वर जो है उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो उस इंफॉर्मेशन पर एक्सेस प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को बिल्कुल इसी तरह जो अगर क्लाइंट चाहता है कि मुझे कोई फाइल फाइल चाहिए चाहिए किसी पर एक्सेस तो सर्वर फाइल सर्वर जो होगा वो उसे एक्सेस प्रोवाइड करेगा बिल्कुल इसी तरह वेब सर्वर भी काम करती है अगर क्लाइंट चाहता है कि उसे किसी वेबसाइट वेबसाइट पर uh, पर एक्सेस चाहिए तो वेब सर्वर उसे वो एक्सेस प्रोवाइड करेगी उसकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करेगी ये था हमारा आज का डिफरेंस जो कि हमने देखा क्लाइंट और सर्वर और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट और कॉमन पॉइंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज दैट जो क्लाइंट होता है वो मेरे पास लेस पावरफुल होता है उसमें पावर ज़्यादा नहीं होती है कम होती है सर्वर की नस्बत क्योंकि उसके पास पावर कम होती है उसके पास फैसिलिटीज़ कम होती हैं फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें उसको आ, कुछ चीज़ें इंसर्ट करानी है कुछ डिलीट करानी है बहुत सारे ऑपरेशन उससे करने हैं तो हर चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं है जो चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और जो सर्वर है ये मेरे पास ज़्यादा पावरफुल है इट इज़ मोर पावरफुल दैन दी क्लाइंट क्योंकि वो जो जो भी रिक्वेस्ट के लिए जिन 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 भी सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा वो उनकी रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करेगा रिप्लाई करेगा उसके अलावा वो उनकी रिक्वेस्ट के बदले में उन्हें वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो कि वो चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर हमने देखा क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं इनकी इनमें क्या डिफरेंस है तो आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं मिसाल के तौर पर मेरे पास तीन क्लाइंट्स हैं एक मेरे पास लैपटॉप है एक मोबाइल है और तीसरा मेरे पास कंप्यूटर है जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं और एक सर्वर है अब जो क्लाइंट है इंटरनेट के थ्रू सर्वर तक मैसेज भेज रहे हैं ठीक है मैसेज भेज रहे कोई भी रिक्वेस्ट इन्हें चाहिए जो सर्वर है वो फिर इन्हें एक्सेस देगा डाटा सर्वर मतलब डेटा में अगर उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है मिसाल के तौर पर क्लाइंट कह रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए अभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है इसमें से कुछ मुझे इंजर्ट करना है या कुछ कुछ मुझे इसमें से एक्सेस चाहिए इंफॉर्मेशन मैंने देखनी है तो सर्वर क्या करेगा वो एक्सेस उन्हें प्रोवाइड करेगा बिल्कुल सर्वर इसी तरह डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट चीजों पर उन्हें प्रोवाइड करता है एक्सेस क्लाइंट्स को तो ये था हमारा आज लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्लाइंट सर्वर बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको एक शॉर्टली बताते चलूं कि क्लाइंट जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें पावर कम होती है सर्वर की अगर कोई चीज चाहिए होती है कोई किसी किस्म की सर्विस चाहिए तो ये क्या करेगा सर्वर को उस चीज के लिए रिक्वेस्ट करेगा और जो सर्वर है वो वो हमारे पास ज़्यादा पावरफुल होता है क्लाइंट की नस्बत क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है सर्वर को किसी भी सर्विस के लिए तो सर्वर जो होता है वो सर्विस उन्हें प्रोवाइड करते हैं उनकी सबसे पहले उनकी रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्ड करता है उसके बाद वो सर्विस प्रोवाइड करता है और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाइंट में डेस्कटॉप लैपटॉप स्मार्टफोन टैबलेट्स वेब ब्राउज़र हो सकती हैं और सर्वर्स की एग्जाम्पल की बात करें तो डेटाबेस है और हमारे पास फाइल सर्वर और वेब सर्विस की एग्जाम्पल है तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर सो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा आइकन का बटन दबाना ना भूलेगा उसकी रीजन ये है कि अगर मैं जब नई वीडियो बनाऊंगी न्यू वीडियोज बनाऊंगी तो इन आप तक पहुंच पाएंगे लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सारी की सारी वीडियोज आई टी से रिलेटेड बना रही हूँ तो जो स्टूडेंट्स आई टी से रिलेटेड है आई टी से उनका आई टी में उनका इंटरेस्ट है या वो किसी भी तरह से इंटरेक्ट करते हैं आई टी के साथ वो नाइन्थ क्लास के बच्चे हों या टेंथ क्लास के हों या बी एस कर रहे हों या एम एस कर रहे हों किसी भी फील्ड में बेटा किसी भी लेवल पर वो तो ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो कि हर लेवल पर हर क्लास में समझ जाते हैं हर क्लास में इनको पॉइंट आउट किया जाता है और हर लेवल के इंटरव्यू हर लेवल के टेस्ट में हर लेवल के नॉलेज में इनका होना ज़रूरी है तो ये हमारे पास बेसिकली मैं आप कोशिश करती हूँ कि मैं आसान से आसान कंसेप्ट बनाकर आप तक डिलीवर करूँ बेसिकली जो बड़े लेवल की बुक्स होती हैं उनमें ये यही चीज़ें होती हैं लेकिन होती है मुश्किल वर्डिंग में मुश्किल तरीके से बना दी जाती हैं जिनको समझना मुश्किल होता है इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ हर क्लास के बच्चे को कि जो कन्सेप्ट उनके बनते हैं वो हमेशा छोटी क्लास छोटी क्लास के सब्जेक्ट से लिया करें हमेशा कन्सेप्ट अपने इस तरह से बनाया करें कि आपको कभी वो भूले ना क्योंकि अगर आप बड़ी क्लासेस में आएँ और रट्टा लगा रहे हैं मुश्किल वर्ड्स याद कर रहे हैं इट्स गुड कि आप मुश्किल वर्ड्स को अपनी अपनी लैंग्वेज में लेके आ रहे हैं इट्स गुड बट आपके जो कन्सेप्ट हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि आप किसी भी ज़ुबान में उन चीज़ों को बता सको तो स्टूडेंट्स अगर किसी किस्म की कोई इश्यू है अगर लेक्चर की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं आई विल रिप्लाई यू सोन